बेटी होने के कुछ प्रमुख लक्षण के बारे में मैं आज बात करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और बहुत पुराने बातें भी हैं तो क्या कितने परसेंट सच है या नहीं है मैं आज बताती हूं, बहुत सटीक मैं बताऊंगी। स्टार्टिंग में 3 मंथ तक, जैसे स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी पता चलती है, इसके बाद नोजिया बहुत ज़ोर ज़ोर से होती है, पूरा दिन अजीब अजीब सा फीलिंग आती है, और वो उल्टी तो होगी नहीं लेकिन नोजिया बहुत ज़्यादा होती है। सब्जी दाल बनाते टाइम जैसे उसमें तड़का लगाते हैं, उसकी स्मेल आना, उसी बहुत अजीब सी लगना, तो ये मुझे था, ये सच बात है। और फिर 3 मंथ के बाद ज़ोर से भूख लगना, वजन का बढ़ जाना, ये भी मेरे साथ था, तो ये सच बात है। और इसके बाद जो 4th-5th मंथ बाद पूरा शरीर हल्का सा लगना, एकदम हल्का फील होना, लेकिन वजन बढ़ रहा था, बॉडी हल्की फील हो रही थी, और एकदम हाथ पैर चिकने चिकने सुंदर से दिखने लगे, बाल सुंदर से दिखने लगे, तो ये मेरे साथ हुआ था। बाल बहुत से सिल्के शाइनी हो गए थे, हाथ पैर बहुत ही चिकने चिकने से दिख रहे थे, और बॉडी में अच्छा खासा ग्लो आ रहा था। और इसके बाद जैसे 6-7 उधर मंथ जा रहा था तो वही हल्का फील हो रहा था, जैसे 8th मंथ आया तो एकदम शरीर भारी भारी सा फीलिंग होने लगना, अजीब सा लगना, बार बार समस्याएं क्रिएट होना, तो ये तो प्रेगनेंसी में होती है लेकिन ये मेरे साथ था। तो बोलते हैं लड़की होते टाइम ये समस्या ज़रूर होती है, और बोलते हैं डिलीवरी का लेट होना, तो मेरे साथ डिलीवरी भी लेट हुई थी। जैसे बोलते हैं कि लड़का होता तो पहले हो जाता है, लड़की होती है तो बाद में, तो हाँ मेरी लड़की हुई थी तो मैंने एक डेढ़ वीक मतलब कितना, हाँ 1.5 वीक ज़्यादा खींच गए थे उस हिसाब से, और कोई पेन वगैरह नहीं हुआ था। इसके बाद फिर ऑपरेशन से ही मेरी डिलीवरी हुई थी, और खाने पीने का फिर सब कुछ मन करने लगता, जैसे 3 मंथ स्टार्टिंग के बीत जाते हैं, इसके बाद सब कुछ खाने पीने का मन, किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं, चटपटा खाने का मन करना, मीठा खाने का मन करना, और मीठा नमकीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मीठा नमकीन, हर चीज़ खाने का मन करता था। मेरे साथ कोई ऐसा बदलाव नहीं आया था, तो मुझे बेटी ही हुई थी। तो वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और सारी चीज़ें शेयर करेंगे। ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें यदि आपको जानना है तो मैं सारी चीज़ शेयर करूँगी, कि स्टेचेस का ध्यान कैसे रखते हैं, ऑपरेशन के टाइम डिलीवरी रूम पे क्या क्या होता है, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट से करिए, और हमें बताइए कि आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं। अकेले ऑपरेशन हुआ और अकेले अपना बच्चा घर कैसे संभालो, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि बाद में कोई तकलीफ न आए। तो मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ, तो आप लोगों से ये दुआ करूँगी, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।